जैसे मेरी किस्मत खाली खाली चल रही है ना, वैसे आज ये एटीएम भी खाली खाली आ, तो मेरी बेट जो ना तुम मुझे इस तरह के गिफ्ट ना कोई दे, ये मैं बच्चों को दे सकती हूँ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू मलाइका व्लॉग, दिस इज मी मलाइका। वेलकम टू अनदर व्लॉग एंड वेलकम टू अनदर वेरी ब्यूटीफुल डे। होप सो कि आप सब खैरियत से होंगे, दिन अच्छा गुजरा होगा आपका। और मेरे भी दिन की शुरुआत हो चुकी है और दिन की शुरुआत कुछ ऐसे हो गई है कि बस शुरुआत हो गई है। आपके कुछ सीन ऐसे हैं कि आज है मेरे भाई की बर्थडे, तो बस रेडी वगैरह हो गई हूँ कि उसके लिए कुछ गिफ्ट वगैरह लेने के लिए जाऊँ। तो मैंने उसे पूछा कि मैंने कहा क्या गिफ्ट चाहिए, तो कहता है मर्सिडीज चाहिए या आईफोन चाहिए। तो वो जो भी बातें करता है वो मेरी औकात से बाहर की बातें कर रहा था। तो मैंने कहा चलो उसके लिए गिफ्ट वगैरह लेनी चाहती हूँ अभी, क्योंकि थोड़ी देर बाद सेलिब्रेट वगैरह करेंगे। तो जुड़े रहे, देखें मैं उसके लिए क्या गिफ्ट लेने जा रही हूँ, क्योंकि वो मेरी जो उससे मैंने कहा मिनका शरीफों की तरह अगर कोई अच्छी सी चीज़ बताएगा तो वो लेने जाऊँगी, लेकिन वो शरीफों की तरह जो भी चीज़ मांग रहा था ना, तो वो मेरी और अपनी दोनों की लिमिट से बाहर की चीज़ें मांग रहा था। तो बस अब रेडी वगैरह हो चुके, जल्दी से रेडी किया हुई, बस अब आया कि और ऊपर बस टॉलर वगैरह इस तरह सिंपल सा किया। तो बस अब जल्दी से निकलती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ का मौसम हाल अहवाल तो वैसे मेरे ख़राब रहते हैं और आज का मौसम भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। तो बस अब जल्दी से निकलती हूँ और जुड़े रहे, देखें क्या गिफ्ट लेते हैं और क्या करते हैं उसके साथ में। तो गाइस बाहर के कुछ सीन यूँ हैं, बर्फ़बारी ही नज़र आ रही है और अभी भी बारिश हो रही थी। ये है मौसम का हाल, मेरे हाल तो पता ही है बिगड़े हुए ही हैं, और ये है मौसम के आज के हाल। बड़े मज़े का मौसम बना हुआ है लेकिन बहुत ज़्यादा सर्दी है। तो बस अब जल्दी से निकलती हूँ उससे पहले कि बारिश स्टार्ट हो जाए और मेरा गिफ्ट जो है वो पेंडिंग में रह जाए। गाड़ी और फोन ही चाहिए ना उसे, तो आज मैं उसके लिए लेकर आती हूँ गाड़ी और फोन। और बाहर की सड़कें इतनी ज़्यादा गीली हैं और मेरे हाथ तो छोटे छोटे हैं, काफ़ी लगाती हूँ। ये देखे ये तो मेरी पांजी से भी छोटे मेरे हाथ हैं यार। पहले कुछ निकलवाऊंगी अमाउंट तो तभी उसके लिए चीज़ ले सकूँगी ना। अभी आए हैं एटीएम से और बाहर निकले हो तो इतनी ज़्यादा सर्दी है और सड़कें वैसे इतनी गीली है, मैं छोटा पाया इसीलिए पहन कर रही हूँ कि अब आया ना मेरा गीला हो। हमारी थोड़ी सी हाइट छोटी है इस वजह से। मेरी बाजी कहती है तुम्हारी हाइट छोटी है ना, इस वजह से तुम्हारी सड़कें गीली साफ करते करते जाती हैं। अगर मैं नहीं मैं तुम्हें इधर से दिखा दूँ तो ये देखो ये किस तरह गंद में जाते जाते तुम किधर जाओगी। कुछ भी नहीं होगा, बस थोड़े से कपड़े तरीकने होंगे और आपको अपने साथ लेके जाऊँगी। और ये देखे बच्ची बनी हुई, हाथ इसके मुझसे भी बड़े हैं लेकिन यहाँ पे बच्चों का मैं खा रही है, लॉलीपॉप खा रही है और मुझे खाना को नहीं पहुँची जो छोटी है। खाओगे? नहीं अब मैंने ये खाती हूँ, ये अब मुझसे ये खाने के बाद पूछ रही है कि खाओगी। अब हम वेट कर रहे हैं क्योंकि रश लगने लगी है, जैसे ही रश खत्म होते तो हम निकलवा के तो साथ में गिफ्ट लेने जा रहे हैं। हालात जैसे मेरे हालात बिगड़े हुए वैसे बाइक के हालात बिगड़े हुए। तो गाइस जैसे मेरी किस्मत खाली खाली चल रही है ना, वैसे आज ये एटीएम भी खाली खाली है, तो बस इसी वजह से रश लग गया। तो बस अब जल्दी से ये हो जा तो फिर जाती हूँ। और कितना टाइम हो चुका है ऑलरेडी, 5 से 10 मिनट तो यहीं पर ही हो गया मैं। और इतने मज़े के कप हैं लेकिन मेरे हाथ लगते हैं साथ टूट जाएंगे, तो इसलिए मलाइका ने एहतियात करनी है। तो गाड़ियों का कुछ भी नहीं है इसके लिए ना, ये वाली डॉल ज़्यादा सही रहेगी क्योंकि जैसे जैसे इशू होगी ना, क्योंकि इशू का ऐसा गिफ्ट पसंद है। और ये अलमारी, इसमें अपने कपड़े वगैरह भी रख सकती है ये। वैसे ये क्या गिफ्ट दें सैम को, ये दें क्या? सैम इसमें अपने कपड़े रखेगा। मेरे पास भी अलमारी कुछ नहीं है ना, तो इसकी शायद मुझे भी ज़रूरत पड़े। तो गाइस हम देखते हैं उसका मर्सिडीज और मोबाइल, मोबाइल ये गिफ्ट हैं। मेरी बेट जो ना तुम मुझे इस तरह के गिफ्ट ना कोई दे, ये मैं बच्चों को दे सकती हूँ। इसको देखो हमें यहाँ पर कुछ भी पसंद नहीं आ रहा, गाड़ी वगैरह जो लेनी है वो अब तो मिल ही नहीं रही। ये मिली है मर्सिडीज लेकिन ये बहुत बड़ी है, इसको छुपा के कैसे दूंगी वो तो समझ जाएगा। छोटी सी बिल्कुल नहीं है ना यहाँ पे।
गाइस हमें यहाँ पर कुछ पसंद नहीं आ रहा तो हम नेक्स्ट दुकान में जा रहे हैं। हम नेक्स्ट दुकान पे, और अगर वहाँ पे कुछ ना पसंद आए तो यहीं पे डीपी की तरह आके कुछ ना कुछ ले लेंगे, क्योंकि हमारा कोई दिमाग काम नहीं करता है। यहाँ पर नहीं है वो वाली गाड़ी, इसमें देखो शाल के लिए तो इनमें से कोई भी गिफ्ट ले लो तो शाल अच्छे से कर लगी, लेकिन गाइस हमें वहाँ पे कुछ भी पसंद नहीं आया है। कुछ पसंद क्या था, मिला ही नहीं है हमने कुछ पसंद ही नहीं आया हमें, बहुत मुश्किलों से कुछ ना कुछ पसंद आ जाएगा। अच्छा हम ये बचपन में खेलते होते थे इन बॉल से, अब ये पता नहीं कितनी महंगी होंगी, पर हम बचपन में इनसे खेलते होते थे, हम तो बंटा करते थे। और हमारी मर्सिडीज पता नहीं कहाँ गई है, और इसे आजकल के नए खिलौने और इसे पिक्स ले सकते हैं, और ये आजकल के खिलौने और साइन की मर्सिडीज ये ये मिली। ये कौन सी वाली गाड़ी है, ये मर्सिडीज है। तो गाइस तो हमें मिल गया मर्सिडीज साइन की है, और ये वाली बुक कह रही थी ना, नहीं शाम की मर्सिडीज को मैं संभाल के रखती हूँ, बड़ी मुश्किल से जिद्दोजहद करने के बाद मिली है, तो आज उसको गिफ्ट में मिलेगी ये मर्सिडीज और खुश हो जाएगा क्योंकि उसका ये ड्रीम था। इंशाल्लाह रियल में भी एक दिन होगा, लेकिन अभी तक उसके ड्रीम को मैं पूरा कर रही हूँ ऐसा ऐसा करके, छोटी-छोटी मर्सिडीज से वो एक दिन बड़ी मर्सिडीज। हाँ ना, छोटी-छोटी मर्सिडीज से ही वो एक दिन ना बड़ी मर्सिडीज ले लेगा इंशाल्लाह, और मैं भी। ये हमारे टाइम में स्ट्रेस, हमारे टाइम के बाद ये बहुत महंगी होगी है। असल को यहाँ पे कोई नहीं पड़ा तो इसको शरीफों की तरह यहाँ पे लगा दे, तो ये तो टूट चुका है। साम तो अमीर हो जाएगा आज, हम इसके लिए कितना सोचते हैं। नहीं नहीं, इशाल का भी तो आज पेपर रिजल्ट आया था ना कल, तो वो कहती थी मुझे कुछ बड़ा वाला आप दो, तो उसको बड़े वाले मैं फिर यही देती हूँ, तो इसको फिर ये उसके ऊँचे में दे देती हूँ। कितने का, $100 का ले लेती हूँ, देखती हूँ फिर क्या बनता है। ओके, इसमें इशाल के लिए सबसे बड़ा मुझे वो देखें, ये मेरे साथ आई है और मुझे कह रही है कि सैम के लिए गिफ्ट लो, और अपने लिए कहते हैं मुझे कुछ अच्छा अच्छा देना, तो मैं बहुत अच्छे गिफ्ट दूँगी, डोंट वरी। नहीं मैं तुम्हारी हाल हो, मैं तुम्हारे साथ प्रैंक थोड़ी कर सकती हूँ, आप अपने भाई के साथ कर सकती हैं तो मेरे साथ भी कर सकती है। कहती अपने भाई के साथ कर सकती हूँ, तो ये इशार का सबसे बड़ा वाला होगा क्योंकि उसने कल रिजल्ट था और काफ़ी अच्छा रहा, पोजीशन लिया तो उसको पैसे दूँगे, और ये अपने भाई के लिए मर्सिडीज छोटे छोटे करके एक दिन इंशाल्लाह रियल वाली भी लेगा। इस तरह के बर्तन वगैरह होने चाहिए, ये किचन का सामान होना चाहिए, अच्छा लगता है ऐसे। तो फाइनली गाइस घर पहुंच चुके और ये मेरे पीछे पीछे सारे आए हैं कि हाला क्या लेकर आई है, मैंने अपने बैग में डाल दिया। क्या कर रहे हो, ये सारे मेरे साथ साथ आए हुए हैं, क्या देख रहे हो, चॉकलेट, ये चॉकलेट मेरी है, ये मेरी चॉकलेट है, ये मेरी है, ये देखें एक ये और एक ये, तीनों के तीनों आए हैं। क्या हाल हो मेरे, आप क्या ले रहे हैं, आइयो चॉकलेट, चॉकलेट कोई चॉकलेट नहीं मिलेगी आपको। इसको मैं रखने लगी हूँ ऊपर, और मेरे बैग यहाँ लात कुछ इतनी ख़राब हो गया, बस अब जैसे चीज़ वगैरह निकालूंगी तो ठीक हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अरम और जैनी, मैं आप लोगों की क्लास की टीचर बन जाऊँ तो आपके कपड़े गंदे कर देंगे, तो आप मुझे टीचर बनने दो क्या? नहीं क्यों, कहते पूरी चॉकलेट लेकर आई हूँ अकेले अकेले खा ली है। ओहो, बस एक चॉकलेट नहीं दी तो आप लोग मुझे अपनी टीचर ही मानोगे? नहीं, हम नहीं बनने देंगे। अच्छा, वो तो हमारी टीचर तो पहले से है। कौन सी है टीचर? मैं लबीरा। लेकिन उनकी जगह अगर मैं हो जाऊँ तो? नहीं होगी, लबीरा का चांस होगा आज मुझे। ओए होए होए, ये देखो इनकी मासूमियत पे मत जाना, मैं छोटी शादी में नहीं जाना।
मेरी शादी पे नहीं जाना, मैं ये नहीं कह रही, मैं कह रही हूँ इनकी मासूमियत पे मत जाना। तो इशू आपके लिए मैं आपका गिफ्ट ले आई हूँ, अब आइज़ क्लोज करो। आप गेस करो मैं क्या लेकर आई हूँ। पता नहीं लेकिन अच्छे की भी उम्मीद नहीं है आपको हालात से। कुछ खाने वाला है? नो कुछ खाने के लिए, लेकिन चलो ठीक है, आंखें बंद करो, आंखें बंद ही रहने दो, बंद की हुई थी, आंखें बंद ही रहने दो, सीधी हो जाओ, स्टेज पे सीधे होके खड़े होते हैं। तो आपकी, आपने कहा था फर्स्ट या सेकंड आएगी, तो आप मुझे दोगे, थर्ड या फोर्थ आएगी तो हाला आप मुझे दोगे ना? ठीक है, ये है इसके लिए, ये है, ये हाथ करो। तो ये है आपका महारानी साहबा गिफ्ट, देखो देखो टॉफी और बबल नहीं है, देख लो। लेकिन अब खुश हो ना? ठीक है, अब जल्दी से खुद भी खाओ और मुझे भी दो, हाला को भी, ठीक है? नहीं आप खुद खाओ, शाबाश। क्या मैंने देखा नहीं था ना, मुझे लगा सौ की चॉकलेट आई है। इससे भी खुश हो जाओ, शुक्र अदा करो, गिफ्ट गिफ्ट होता है। अच्छा कहते हैं कोई एक तिनका भी देना तो गिफ्ट के तौर पे, तो उसे भी सब कर लेना चाहिए, कर लेना चाहिए, कर लेना चाहिए, कर लेना चाहिए। मेरे साथ काटना, पहले मेरे साथ काटना था। तो गाइस केक मेरा कट हो चुका है, अब बारी आती है मैंने जो इतने प्यार मोहब्बत से गिफ्ट लिया ना वो देने की। तो अब आराम आराम से चल के अपने प्यारे से भाई को इतनी मेहनत से जो गिफ्ट लेकर आई हूँ वो देती हूँ। तो मेरे प्यारे से भाई, आपको क्या लगता है मैंने क्या लिया होगा आपके लिए? कुछ खाने के लिए लिया है? हाँ, आँखें बंद करो, हाथ करो, आँखें बंद करके गैस करना, ठीक है? कि क्या है ये, क्या है? डेरी मिल्क। हाँ डेरी मिल्क, चलो एक हो गया, एक और भी गिफ्ट लेकर आएंगे। अब आंखें खोलो, देखो असल गिफ्ट वो है। क्या चाहिए था मेरे भाई को? रोल्स रॉयल। रोल्स रॉयल, अपनी और मेरी औकात के भाई की बातें करते हो, लेकिन मैंने अपने प्यारे से भाई के लिए अच्छा सा प्यारा सा गिफ्ट लिया। अब देखो, दिखा, गाड़ी चाहिए ना आपको? मैं आपको की देती हूँ भाई, जाके गाड़ी ओपन कर लेना, ठीक है? ये लो आपका गिफ्ट। ऐसा लगी रॉयल रॉयल, पता नहीं मुझे तो गाड़ी का नाम भी नहीं आता है, मर्सिडीज गाड़ी कैसी लगी अब आपको? स्पोर्ट्स वाली है। 1000 इकट्ठी करोगे ना, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी करके जब इकट्ठी करना शुरू करोगे ना, तो एक दिन तुम्हारे पास रियल वाली गाड़ी होगी साइम, ठीक है? अब मेरा प्यारा सा भाई मेरे से शेयरिंग इज केयरिंग करेगा। कैसा लगा गिफ्ट? कैसा लगा गिफ्ट? इतनी प्यारी कार दी है, इतनी प्यारी कार दी है, ऐसी देखो मर्सिडीज तुम्हें कि मैं चला ही नहीं सकती। तुम इसके ऊपर बैठ के जाकर देखना, जब ऐसी एक एक कर एक दिन ना ऐसा होगा कि कतरे कतरे से दरिया बनता है। फिर तो मुझे डायमंड की स्मॉल लाइट चाहिए होगी। कतरा कतरा करके दरिया बनता, और इसी तरह करके तुम्हें एक दिन देखना हो, ऐसा होगा कि तुम ऐसे करो कि मेरे पास रियल गाड़ी है। तो गाइस फाइनली मैंने अपने भाई को मर्सिडीज दे दी है, अब ये कल से जब भी स्कूल जाया करेगा ना तो इसी पे जाया करेगा, ठीक है? तो मेरी तरफ इतने लालच देख रहे, कहता कितनी बड़ी मर्सिडीज है जिसमें मैं खुद ही नहीं बैठ के जा सकता था, लेकिन एक दिन होगा कि ऐसी छोटी छोटी करके इकट्ठी होंगी ना, तो एक दिन ना बड़ी वाली गाड़ी होगी इसके पास इंशाल्लाह। तो अब मेरे ये इसकी चीज़ के ऊपर मेरी काली नज़र है, क्योंकि डेरी मिल्क मेरी फेवरेट है। तो अब मेरा प्यारा सा भाई मेरे साथ शेयरिंग इज केयरिंग करेगा, ठीक है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ऐसे भाई होते हैं, देखे छुपा के रख लिया इस बंदे ने, आज तुम्हारी बर्थडे थी ना इसलिए तुम्हें कुछ नहीं कह रही। ये देखें, ये बहन भाई का प्यार है, इसने मुझे कितनी सी चॉकलेट दी है, कहता शुक्र अदा करो। अच्छा प्यार कहता, इतना अच्छा प्यार है। साइम आपकी ये चॉकलेट ना मेरे पास ही रहेगी, ठीक है? एक साल के बाद यही दूंगी फिर गिफ्ट में। कहता पागल हो,
तो गाइज़ मैं आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड कर रही हूँ। होप सो कि मेरा आज का ब्लॉग भी आपको पसंद आया होगा। इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को बिलाज़ प्रेस कर दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।